डेनमार्क की महारानी जब राजधानी की सड़कों पर निकली तो लोग उसे देखते रह गए। आप यह रिपोर्ट देखें। कोपेनहेगन की बर्फ से ढकी सड़कों पर शाही बग्घी का यह काफिला बहुत खास है। मार्गरेट सेकंड डेनमार्क की महारानी के तौर पर अंतिम बार राजधानी की सड़कों पर निकली हैं। 83 वर्षीय महारानी जिस बग्घी पर सवार हैं, उस पर सोने के पत्रे जड़े हैं। शाही घुड़सवार दस्ता 50 वर्ष से अधिक तक राज करने वाली अपनी महारानी के सम्मान में आगे पीछे कतार बनाकर चल रहा है। नए साल की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में महारानी मार्गरेट सेकंड ने सत्ता अपने बेटे को सौंपने की घोषणा की थी। इस तरह मौजूदा समय में दुनिया की एकमात्र महारानी का आधी शताब्दी से अधिक समय से चला आ रहा राज पूरा हुआ। उनके बेटे फ्रेडरिक अगले सप्ताह शाही तख्त संभाल लेंगे। मार्गरेट सेकंड के कोपेनहेगन की सड़कों पर बतौर महारानी अंतिम दौरे को देखने के लिए काफी लोग जमा हुए। लोग अपनी महारानी के लिए भावुक दिखाई दिए। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि नए साल के संबोधन में महारानी ने राजपाट त्यागने का ऐलान किया। हो सकता है औरों को ऐसी आशा होगी, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं थोड़ा उदास हुई क्योंकि उन्होंने इतने लंबे समय तक राज किया। 16 अप्रैल 1940 को जन्मी मार्गरेट सेकंड डेनमार्क के सम्राट फ्रेडरिक नौवें और महारानी इनग्रिड की सबसे बड़ी संतान हैं। उन्हें 1953 में उस समय अपने पिता के शाही ताज का वारिस माना जाने लगा जब संविधान संशोधन करके महिलाओं को भी ताज का वारिस बनाने की अनुमति मिली। अपने पिता की मृत्यु के बाद 14 जनवरी 1972 को उन्होंने डेनमार्क की महारानी का पदभार संभाला। अब 2024 में इसी तारीख को वो अपनी गद्दी अपने बेटे को सौंपने जा रही हैं। मार्गरेट सेकंड को अपने सत्ताकाल में जनता का व्यापक समर्थन मिलता रहा है। लोग उनको अलग अलग वजहों से पसंद करते रहे। वो रचनात्मक हैं और नए साल की पूर्व संध्या पर सदैव की तरह हमारे साथ होती रही हैं। वो नए साल की शुरुआत में हमारे साथ ही होती हैं। वो हमेशा हमारे साथ ही रही हैं। मार्गरेट सेकंड का शाही ताज संभालने पर युवराज फ्रेडरिक किंग फ्रेडरिक 10th कहलाएंगे। 55 वर्षीय फ्रेडरिक महारानी के दो बेटों में बड़े हैं। 2004 में उनकी शादी एक ऑस्ट्रेलियाई मैरी एलिजाबेथ डोनाल्डसन से हुई। इस जोड़े के 4 बच्चे भी हैं। डेनमार्क में औपचारिक रूप से सत्ता की शक्तियां निर्वाचित संसद और उसके तहत गठित सरकार के पास होती हैं। यहां शाही शासक को राजनीति से ऊपर माना जाता है। शाही शासक परंपराओं आदि को निभाने के लिए ही सामने आते हैं, जिनमें राष्ट्रीय दिवस समारोह का हिस्सा बनना और दूसरे देशों का दौरा करना भी शामिल है। वास्तव में ही डेनमार्क की महारानी जिस बग्घी पर सवार होकर गुजर रही थी, वह सोने के पत्रों से बनी हुई थी। राजेश खत्री, डेनमार्क।